हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सी टू ई कॉम्पिटिशन टू एजुकेशन। आज का कॉन्टेस्ट अलर्ट है ऑनलाइन क्रिएटिव कॉम्पिटिशन और आज़ादी का अमृत महोत्सव। हम लोग सेलिब्रेट करने वाले हैं 75th एनिवर्सरी ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया और इसी के मौके पे अमृत महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है हमारी गवर्नमेंट की साइड से। यह सेलिब्रेशन जो है वो 75 वीक्स तक चलेगा, जो कि इंडिपेंडेंस डे 2022 से लेकर के इंडिपेंडेंस डे 2023 तक किया जाएगा। यह कॉन्टेस्ट ऑर्गेनाइज किया जा रहा है स्कूल स्टूडेंट्स के लिए, ताकि स्कूल स्टूडेंट्स भी अपनी पार्टिसिपेशन दे पाएँ अमृत महोत्सव में। इसमें आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं, स्कूल स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट कर सकते हैं। इसमें आपको 5 एक्टिविटीज़ है, जिसमें से किसी भी एक एक्टिविटी में आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। इसमें राइटिंग होगी, ड्राइंग भी है, स्किट भी है, तो इसमें से जो भी आपकी इंटरेस्ट है उसमें आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। आगे मैं आपको 5 कैटेगरी और उसके थीम अच्छे से बताऊँगी। तो आज हम लोग इस वीडियो में इसके बारे में डिस्कस करेंगे, इसके सारे गाइडलाइंस देखेंगे आप इसमें कैसे पार्टिसिपेट कर सकते हैं, इसकी थीम को डिस्कस करेंगे, एक्टिविटीज़ को डिस्कस करेंगे, गाइडलाइंस देखेंगे और आप इसमें कैसे रजिस्टर करके अपनी सबमिशन दे सकते हैं। पर उससे पहले अगर चैनल में नए हैं फ्रेंड्स, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, ताकि कोई भी कॉन्टेस्ट अपडेट आप यहाँ मिस ना करें। हम कॉम्पिटिशन और एडुकेशन से रिलेटेड वीडियोज़ बनाते रहते हैं, तो चलिए वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। तो अमृत महोत्सव में पार्टिसिपेट करने के लिए आपके पास 5 एक्टिविटीज़ दी गई हैं, जिसमें से किसी एक एक्टिविटी में आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। एक सबसे पहले आपको ऐसे कॉम्पिटिशन है, आप ऐसे लिख करके इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। इसमें आपका ऐसे विद इन 1500 करेक्टर्स का होना चाहिए, या फिर अगर आप हिंदी में लिख रहे हैं तो फिर आपको 500 शब्दों में इसे लिखना होगा। इंग्लिश हिंदी इसमें 2 लैंग्वेज है, आप अपने अनुसार अपनी लैंग्वेज चूज कर सकते हैं। पोयम की बात करें तो यहाँ पे पोयम कॉम्पिटिशन है, क्लास 6 से क्लास 8 के स्टूडेंट्स के लिए 4 स्टैंजा का पोयम आप दे सकते हैं और क्लास 9 से लेकर क्लास 12 के स्टूडेंट्स के लिए 6 से 8 स्टैंजा का पोयम आप दे सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर आप लाइफ स्टोरी लिख सकते हैं किसी भी फेमस पर्सनैलिटी के, जो इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल से जुड़े हुए हैं। 1500 करेक्टर्स में ये आप लिख सकते हैं। इसके साथ ही नेक्स्ट कॉम्पिटिशन में आप स्क्रिप्ट लिख सकते हैं किसी भी रोल प्ले का या फिर वन एक्ट प्ले का, जो कि मैक्सिमम 15 मिनट्स का होना चाहिए। आपको यहाँ पे प्ले नहीं करनी, वीडियो नहीं डालनी है, बल्कि आपको बस उसकी स्क्रिप्ट लिखनी है और उसकी जो स्क्रिप्ट की लेंथ आपकी इतनी होनी चाहिए कि उस पर एक जब प्ले किया जाए तो वो 15 मिनट्स का हो, मैक्सिमम 15 मिनट्स, उससे कम का आप रख सकते हैं। लिख करके यहाँ पर सबमिट कर सकते हैं PDF फॉर्मेट में और इस एक्टिविटी में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। नेक्स्ट आप कोई पोस्टर डिज़ाइन कर सकते हैं, स्केच डिज़ाइन कर सकते हैं, फ्रीडम फाइटर, जिस भी फ्रीडम फाइटर के आप चाहें उनकी आप ये स्केच बना सकते हैं, पोस्टर बना सकते हैं, या फिर कोई भी ऐसा इवेंट जो कि फ्रीडम स्ट्रगल से जुड़ा हुआ है उसकी अगर आप फोटो बनाना चाहते हैं, उसकी पोस्टर बनाना चाहते हैं, उसकी ड्राॅइंग बनाना चाहते हैं, तो वो इसमें आप कर सकते हैं और इस एक्टिविटी में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो ये 5 एक्टिविटी मैंने आपको बताई। अब इसमें आपको मैं थीम बताती हूँ। तो यहाँ पर 6 थीम दी गई है, इसमें से कोई भी थीम आपको चूज़ करना है और उसी पे अपनी एक्टिविटी करनी है। अभी मैंने जो 5 एक्टिविटी बताई, ऐसे राइटिंग, पोयम राइटिंग, ड्राइंग, पोस्टर मेकिंग, स्क्रिप्ट राइटिंग, ये सारी जो मैंने 5 आपको बताई वो आपको थीम पे बनानी है। और जो थीम है वो 6 थीम्स है, इसमें से किसी एक थीम पर आपको चूज़ करना है और उस पर फिर अपनी एक्टिविटी करनी है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप पोयम लिखना चाहते हैं तो 6 ये जो थीम यहाँ पर मैंने आपको बताने वाली हूँ उसमें से किसी एक थीम को आपको चूज़ करना और उस पर आपको पोएम लिखना है। अगर आप ऐसे लिख रहे हैं तो इसी में से 6 थीम को चूज़ करना और उस पर ऐसे लिखना है। ड्राइंग कर रहे हैं तो फिर 6 थीम्स में से किसी एक को चूज़ कर सकते हैं। तो ये 6 थीम्स यहाँ पे मैं आपको दिखा रही हूँ, ये इंग्लिश हिंदी दोनों में लिखी गई है, तो आप अपनी लैंग्वेज में इसे पढ़ सकते हैं। इसमें से कोई भी आप एक चूज़ करें और उस पर अपनी और फिर आप उसमें अपनी एंट्री दे सकते हैं। अब यहाँ पर मैं आपको कुछ गाइडलाइंस बताती हूँ जो आपको अपने एंट्री देने टाइम ध्यान रखना है। तो सबसे पहले आप एलिजिबिलिटी की बात करें तो इसमें क्लास 6 से लेकर क्लास 12 के जो स्टूडेंट्स हैं, इंडियन स्टूडेंट्स हैं, वो इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अगर आप CBSE बोर्ड के हैं, ऑल या फिर स्टेट बोर्ड्स के हैं, NIOS के हैं, तब भी आप इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ये CBSE स्टेट बोर्ड्स के लिए, NIOS के लिए, NIOS के लिए स्टूडेंट्स के लिए बिल्कुल ओपन है और इसमें कोई भी एंट्री चार्ज नहीं है, यह बिल्कुल फ्री है। फिर लैंग्वेज की बात करें तो इंग्लिश हिंदी दोनों में से किसी भी एक लैंग्वेज को आप चूज़ करके उसमें लिख सकते हैं। अब हम लोग डेट्स देखते हैं। तो जो कॉन्टेस्ट है वो स्टार्ट हो चुका है 12 मार्च 2021 से ही और इसमें अपनी एंट्री देने की लास्ट डेट 1 अप्रैल 2021 है। एंट्री आपको ऑनलाइन सबमिट करनी है। अगर आप राइटिंग वाले किसी कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो उसमें आपको जो अपनी एंट्री है वो टाइप्ड एंट्री देनी है, हाथ से लिख के नहीं देना है।
और जब आप उसे टाइप करेंगे तो उसकी फॉन्ट साइज 12 होनी चाहिए इंग्लिश में, और अगर आप हिंदी में लिख रहे हैं तो 14 होनी चाहिए। लाइन स्पेसिंग 1.15 होनी चाहिए। तो ये टेक्निकल गाइडलाइंस है जो कि आपको अपनी राइटिंग करते वक्त ध्यान देना है। यहाँ पे कुछ टर्म्स कंडीशन है, लाइक कि आपको खुद की ये ओरिजिनल क्रिएटिविटी होनी चाहिए, कहीं से कॉपीड नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा आप जो अपनी एंट्री देंगे वहाँ कहीं भी आपका नाम या फिर ईमेल एड्रेस या फिर ऐसी कोई भी चीज़ जिससे आपकी आइडेंटिफिकेशन डिटेक्ट होती हो वैसी कोई चीज़ वहाँ नहीं होनी चाहिए। बस आपकी एंट्री ही आपको यहाँ पे अपलोड करनी है। हाँ, रजिस्टर करने टाइम आपको अपना डिटेल्स देना होगा जो मैं आके आपको बताऊँगी, लेकिन आपकी एंट्री में यानी आपके एसे में, आपकी पोयम में, आपकी स्क्रिप्ट में, के पोस्टर में कहीं भी नाम आपका नहीं होना चाहिए। मैं आपको बताती हूँ कि आप इसमें कैसे रजिस्टर कर सकते हैं और इसमें कैसे अपनी एंट्री दे सकते हैं। तो सबसे पहले आपको इसके वेबसाइट पर आना है। ये जो कॉन्टेस्ट है वो mygov.in के वेबसाइट पे ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा फ्रेंड्स। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वहाँ पे जाइए, क्लिक कीजिए, डायरेक्ट आप कॉन्टेस्ट पेज पे आ जाएंगे। यहाँ पे आने के बाद आप इसके सारे टर्म्स कंडीशंस को एक बार पढ़ लें और उसके बाद यहाँ पर आपको अपनी एंट्री देनी है। यहाँ पे पार्टिसिपेट नाउ का ऑप्शन मिलता है, इस पे आपको क्लिक करना है। इस पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे MyGov की ID बनाने के लिए आती है। तो जिन्होंने ID नहीं बनाई वो पहले ID बना ले, उस पे एक वीडियो है वो आपको मिल जाएगा ऊपर आई बटन में या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वो देख ले और फिर ID बना ले। ID बनाने के बाद इसके बाद आप इसके लॉगिन कर ले। एक चीज़ और आपको ध्यान देनी है, जिन्होंने पहले भी अपनी ID बनाई हुई है या जो नए भी बना रहे हैं, सारी आपकी जो इन्फॉर्मेशन है वो अपडेटेड होनी चाहिए, सही होनी चाहिए। क्योंकि अगर आप कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं देते हैं, लाइक अपना नाम भूल जाते हैं देना या मोबाइल नंबर देना भूल जाते हैं या गलत दे देते हैं, तो उससे फिर आपकी एंट्री जो है वो डिसक्वालीफाई हो सकती है। ये सारी चीज़ फिल करने के बाद आपको सबमिट एंड प्रोसीड का ऑप्शन मिलेगा। एक चीज़ आपको ये ध्यान रखनी है फ्रेंड्स कि आपकी नेम, ईमेल और मोबाइल नंबर अगर आप इससे चेंज करना चाहते हैं तो ये यहाँ पे आपकी नहीं होगी। ये आप देख सकते हैं वहाँ पे कर्सर जाने के बाद वो मूव नहीं होगा, क्योंकि ये जो है वो बाय डिफ़ॉल्ट वही सेट हो जाता है जो अपने आप अकाउंट बनाने टाइम ये आप देते हैं। तो अगर आपको चेंज करना है तो सबसे पहले आपको अपनी MyGov ID से ये चीज़ें चेंज करनी होगी, तभी आपके यहाँ पे चेंज होगा। इसके लिए यहाँ पे आपको अपडेट योर नेम, ईमेल या मोबाइल नंबर फ्री का ऑप्शन दिया जाता है सिंक योर प्रोफाइल से। अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो ये यहाँ से आप कर सकते हैं। अब ये चीज़ें करने के बाद आपको सबमिट एंड प्रोसेस पे आपको क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपको फिर अपनी एंट्री डिटेल्स देनी होगी, लाइक आप किस कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं। जो 5 मैंने आपको एक्टिविटी बताई थी उसमें से जिसमें से आप कर रहे हैं उसको यहाँ पे सेलेक्ट कर ले। एक ही एंट्री आप दे सकते हैं तो इसलिए एक ही आपको यहाँ पे सेलेक्ट करनी है। फिर आपको यहाँ पे थीम सेलेक्ट कर लेना है, जो 6 थीम्स है उसमें से जो भी थीम पे आप अपनी एंट्री दे रहे हैं उसको यहाँ पे सेलेक्ट कर ले। और फिर आपको यहाँ पे अपने डिटेल्स अपनी एंट्री फिल करनी है। ऐसे अगर दे रहे हैं तो यहाँ पे आपको ऐसे अपना कहीं भी लिख के उसको कॉपी कर ले और यहाँ पेस्ट कर दे। पोएम में भी सेम है, पोएम वाला भी दिखा देती हूँ। पोएम में भी आपको यहाँ पे सब कुछ सेलेक्ट करके अपनी थीम सेलेक्ट करके और यहाँ पर आपको फिर अपनी जो टेक्स्ट है वो पेस्ट कर देनी है। एक चीज़ का और ध्यान रखें कि जो फॉन्ट साइज़ मैंने आपको बताया था वो आप यहाँ पे ध्यान में रखेंगे। और अगर आप यहाँ पे अपनी एंट्री दे रहे हैं पोस्टर मेकिंग में तो उसकी फ़ोटो खींच करके आपको यहाँ पे फाइल अपलोड करनी होगी, इमेज फाइल। तो उसके लिए आपको यहाँ पे फाइल अपलोड करने का ऑप्शन मिल जाता है। अगर आप अपनी एंट्री स्क्रिप्ट में दे रहे हैं तो उसमें आपको PDF यहाँ पे अपलोड करनी होती है, तो 4 MB तक की PDF आप यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। यह प्रोसेस था फ्रेंड्स अपनी एंट्री देने का यहाँ। तो फ्रेंड्स आई होप आपको क्लियर हुआ हो कि आप अमृत महोत्सव कॉन्टेस्ट में कैसे पार्टिसिपेट कर सकते। अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, साथ में अपने फीडबैक भी दे सकते हैं। और वीडियो पसंद आया है फ्रेंड्स तो उसे लाइक और शेयर ज़रूर करें, फ्रेंड्स को भी बताएं ताकि अगर वो भी इसमें पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो इसमें कर सकते हैं। अमृत महोत्सव मना रहे हैं हम लोग, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें ताकि ये सभी लोग इसका हिस्सा बन सकें। हम लोग सब मिल करके सेलिब्रेट करें 75th एनिवर्सरी ऑफ आर इंडिपेंडेंस। तो दैट्स इट फॉर दिस फ्रेंड्स। ऐसी वीडियो अपडेट्स पाने के लिए आप हमसे जुड़े रहे। यूट्यूब के अलावा आप हमसे ज्वाइन हो सकते हैं टेलीग्राम पर, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और साथ में आप हमें फॉलो कर सकते हैं फेसबुक और इंस्टाग्राम पे। तो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स एंड टेक केयर।